हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने दिसंबर में 68 में से 40 सीटों पर कब्जा कर अपनी सरकार बना ली थी। अब करीब एक महीने के बाद सरकार के पहली मंत्रिमंडल का गठन हो गया। वहीं मंत्री पद की दौड़ में युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी बाजी मार ली है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह को प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सचिवालय पहुंचने पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। अपने मंत्री का स्वागत करने व उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं सचिवालय पहुंचने पर विधायक विक्रमादित्य सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना की और अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विधायक विक्रमादित्य सिंह के मंत्री बनने के बाद समर्थकों ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद विधायक विक्रमादित्य सिंह मीडिया से रूबरू हुए और अपने पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समान ही प्रदेश हित में फैसले लेने और विकास करने की बात कही। आज जो एक नई जिम्मेवारी हमको दी गई है और 32 साल की उम्र में मुझे प्रदेश सरकार में, हिमाचल प्रदेश सरकार में, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी की सरकार में सबसे युवा विधायक के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर का जो दर्जा दिया गया है, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, राजीव शुक्ला जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। समस्त हिमाचल प्रदेश के हमारे देव समाज के देवी देवता, जिनका अटूट विश्वास और आशीर्वाद हम पे हमेशा रहा है, और ख़ास करके आज का दिन मेरे लिए बहुत भावनात्मक भी है, क्योंकि ये वही सचिवालय है जहाँ पर मेरे पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व इसी सचिवालय से किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि जहाँ पर भी वो होंगे उनकी पूज्य आत्मा होगी। आज बहुत बहुत खुश होगी कि उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद के साथ, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए आज हम सचिवालय में पहुँचे हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण के प्रबुद्ध जनता का, जो मैं केवल उनको जनता के रूप में नहीं मगर अपने परिवार के रूप में देखता हूं, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसको मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकता। और आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के हमारे सभी प्रबुद्ध परिवार का, जनता का धन्यवाद भी करता हूँ और उनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि जिस तरीके से पहले भी हमने आपकी आवाज़ को विपक्ष में रहते हुए पूरी मजबूती के साथ, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, हम विपक्ष में थे, मगर तब भी हमने करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में हम करवाने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में एक नई जिम्मेवारी के साथ हम इलाके का दौरा भी करेंगे, लोगों की जनसमस्याओं को भी सुनेंगे और अपना पूरा योगदान क्षेत्र के, चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी है, सब लोगों की आवाज़ को उठाने में देंगे। अभी मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी के नेतृत्व में, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके नेतृत्व में और सभी हमारे जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर हम प्रदेश के सभी मसलों को उठाने का कार्य भी करेंगे, चाहे वो कैबिनेट के माध्यम से है, चाहे वो विधानसभा में आपकी आवाज़ को उठाने की बात है, चाहे मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाने की बात है, चाहे केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की बात है, प्रदेश का हर वर्ग
और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हालांकि मैं शिमला जिला से संबंध रखता हूँ, मगर मेरे लिए चाहे जिला हमीरपुर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे सिरमौर है, चाहे चंबा है, चाहे जनजातीय क्षेत्र है, उतना ही प्यारा है जितना शिमला जिला है। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खास करके जिला कांगड़ा के लोगों को, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को, कि हम आपके साथ हमेशा पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। समय समय पर हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा आने वाले समय में करेंगे, आपकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे, एक सीधा संपर्क प्रदेश की जनता के साथ साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। केवल मन की बात नहीं होगी, आपकी आवाज़ को सुना जाएगा, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, और उस पर जो हमसे हो सकता है उसको हम करने का प्रयास आने वाले समय में करेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरे पिताजी की बात है, निश्चित तौर से कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने सुपुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहेगा। तो अब मुझे विश्वास है कि आज उनकी आत्मा को बहुत संकून मिलेगा, और ही इज एनीवेज वो उनकी जो आत्मा है वो इमॉर्टल है, और उनके ही कंटिन्यूज टू लिव इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। तो निश्चित तौर से उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम आगे बढ़ते रहेंगे उनको अपना आइडियल मानते हुए। और जहाँ तक आपने जो परेशानियाँ हैं या कुछ जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करी है, तो निश्चित तौर से चैलेंजेस है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, मगर उस पर जब हमारे मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, और कैसे प्रदेश के लोगों की समस्याओं का हल किया जा सकता है। केंद्र सरकार के साथ सहयोग और तालमेल होना भी बहुत आवश्यक है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी, और मिलकर हम हर समस्या से बाहर निकलेंगे। जो हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, 75,000 से 70,000 करोड़ का ऋण प्रदेश के ऊपर है, उसको कैसे कम करना है उसके ऊपर भी कार्य होगा। हर चीज़ पे ध्यान रखेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ।